So dear, now we are here for the step number 7 or step number 8. In this video, we will discuss about our qualities, about our misqualities. Because in the world, everyone has quality and misquality as well. So, quality mere andar bhi hai, misqualities bhi hongi. Is prakar se aapke andar bhi qualities hongi aur misqualities hongi. Simple. तो देखते हैं, पहला वाक्य बनाते हैं। मैं ईमानदार हूं। मैं को क्या बोलते हैं सर? आई के साथ एम, और क्या है आप? ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट, बस बन गया। आई एम लगा दो, और जिस प्रकार का गुण आपके अंदर है वो आप यहां पे लगा दीजिएगा। जैसे कि मैं आशावादी हूं, आशावादी को क्या बोलते हैं ये बता दीजिए आप मुझे। ओनली क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। आई एम ऑप्टिमिस्ट। ओके, वह दयालु है। ही इज काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड, वेरी गुड। ये आपके पर्सनैलिटी एडजेक्टिव होते हैं, इनको बोल देते हैं पॉजिटिव पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स, और इनको बोल देते हैं नेगेटिव पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स। तुम बहुत मेहनती हो, यू, तुमको क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ क्या आएगा? आर। वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। स्टेप नंबर 8, मिसक्वालिटी की बात करेगा। वह मतलबी है, स्वार्थी है, तो यूज कर सकते हैं ही इज सेल्फिश। आप यहां पे सी इज सेल्फिश भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है कि हम मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं। तुम लालची हो, तुमको बोल देते हैं यू। यू के साथ लगाते हैं आर, और इसके लिए आ जाएगा ग्रीडी। यू आर ग्रीडी। वह सनकी है, सनकी मतलब जो अलग ही चीजों पर विश्वास करता है। ही इज एन इसेंट्रिक, ही इज एन इसेंट्रिक। वे बेईमान है, तो यहां पे लगा देंगे दे आर डिसऑनेस्ट। अगले वाले वीडियो में देखेंगे।